डॉक्टर जकीउद्दीन सोहेल साहब, जो कि शहर औरंगाबाद का एक ऐसा नाम है जो तालीमी, मिली, सियाजी और हर शोबे में बड़े अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। बिलखुसूस अदबी कॉन्फ्रेंस, मुशारे और महफिल गजलियात के प्रोग्राम्स के इनेकाद में डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन साहब का किलदी किरदार होता है। हाल ही में सोहेल साहब ने तालीम इस मजमून पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जकीउद्दीन सोहेल अपने अदबी खिदमात और बहुत सारे अवार्ड्स और एजाजात से नवाजे जा चुके हैं। मैं सर को इस शेर के साथ मधु करता हूँ। मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहरुल लिसानी का, मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहरुल लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। सोहेल सर, बहुत शुक्रिया जिया। जिया स्टेज पर तशरीफ फरमा। आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब सुल्तान कुरैशी साहब, चेयरमैन साहब जनाब मजीद कुरैशी साहब, सेक्रेटरी साहब जनाब ताहिर अल-अत्ताश साहब, हाजी अकील सेठ, हमीद कुरैशी साहब, अल्ताफ साहब उर्फ बाबा अली साहब, हमारे ठाकुर साहब, खाजी मोहियुद्दीन साहब, जनाब बिलाल जलील साहब, मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब और अब्दुल मलिक साहब, और इस ग्राउंड में मौजूद तमाम असातिज़ा हज़रात, तमाम तलबा और पेरेंट्स, बिलखुसूस पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ आना और अपनी बात आप लोगों के सामने रखना मैं वाकई में अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। मैंने यहां आकर अपनी बात को रखने में अपनी खुशकिस्मती समझता हूं, ये क्यों कहा इस बात पर हम जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी वापस इसी चीज पर आएंगे, और आप सब लोग भी मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे कि मैंने ये इन अल्फाजों से अपनी तकरीर की शुरुआत क्यों की थी कि मैं आज शहर वैजापुर में आना अपनी खुशकिस्मती समझ रहा हूं। आज के इस तालीमी कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से यूनाइट फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की है, ये कहीं ना कहीं ये यूनाइट फाउंडेशन के जो नौजवान है इन लोगों को एक दर्द है, एक तड़प है कि वैजापुर के जो तलबा है वो आने वाले मुसाबिकती दौर में, कॉम्पिटिटिव दौर में किस तरह से सरवाइव करें। अगर हम देखें तो आज हर चीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, हर चीज के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना है, हर चीज के लिए आपको कंपटीशन फेस करना है। फिर आपका कंपटीशन शहर के बच्चों के साथ होगा, आपका कंपटीशन मेट्रोस के बच्चों के साथ होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह से अपने आप को तैयार करना है, इस तरह से अपनी तालीम को हासिल करना है कि आपने स्टेट लेवल के भी लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और नेशनल लेवल पे भी जब आप कॉम्पिटिशन फेस करेंगे तो उसमें भी आप कामयाब होना चाहिए। इस तरह से आपको तैयारी करना है खुद के लिए। देखिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होती है कॉन्फिडेंस। आप में जब तक वो खुद एतमादी, वो कॉन्फिडेंस खुद से आप डेवलप नहीं करते, तब तक आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, किसी भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक टारगेट रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, तो आप में वो तड़प होनी चाहिए, वो जिद होनी चाहिए कि उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लेने हैं, कितनी मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है। जब तक आप अपने लिए कोई गोल सेट नहीं करेंगे, कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक आप उस टारगेट को क्रैक नहीं कर सकते, उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते, उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। कॉन्फिडेंस महज
एक अकेली चीज नहीं है, उस कॉन्फिडेंस के अतराफ जो चीजें हैं वो एम्बिशन है, यानी कि जिसे आप ख्वाहिश कहते हैं, वो हायर गोल्स है, यानी कि आपके आला मकासिद होने चाहिए। अगर आप में वो टारगेट अचीव करने की जिद नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस किसी चीज का किसी काम का नहीं। जब तक आप अपने बच्चों को उनके टारगेट अचीव करने के लिए, मैं खासतौर से ये पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोग अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, तब तक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होने वाला है। तकरीबन मुझे बताया गया है कि यहां पे 8, 9, 10 और 11, 12 के बच्चे बैठे हैं। अब ये 11, 12 यानी कि आप लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, यहां से ही आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होने वाले हैं। आप पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने का ये गेट है, ये मेन गेट। जब आप क्रॉस करेंगे अपनी 11, 12 का, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होने वाले हैं। तो पेरेंट्स का किरदार इसमें बहुत अहम होता है कि किस तरह से आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से आप उनको मंजिल हासिल करने के लिए सही रहनुमाई करते हैं। उसमें जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते हैं, जब तक वो सक्सेस हासिल नहीं करते, तब तक आपको एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन उनका साथ देना है, हर तरह से उन लोगों को रास्ता बताना है। शायर मशरिफ अल्लामा इकबाल का शेर है कि उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब तक आप अपनी नजरें ऊंची नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी निगाहें ऊंची नहीं रखेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल कायम करना है। आपको इतनी मेहनत करना है, इतनी जद्दोजहद करना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। आपको देखकर ये दूसरों ने मिसाल देना कि देखो फला की लड़की है, फला का लड़का है, आज मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, तो आज कौन से ओहदे पर वो फाइज है। जिस स्कूल में आपको यहाँ पे जनाब ताहिर अत्ता साहब है, मजीद कुरैशी साहब है, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जिस तरह से ये लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया है एजुकेशन का, जिस तरह से यहाँ पे एक एम्बियंस है एजुकेशन का, हाई एजुकेशन का, तो आप लोग बिल्कुल आसानी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आपको खुद एक ऐसा मकाम हासिल करना है कि आप अपने गांव के लिए, आप अपने शहर के लिए एक मिसाल कायम हो सके। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। ये बोलना चाहिए आपको देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर और आपका जो जिद है अपनी मंजिल को पाने की जिद को देखकर। देखिए किसी भी चीज को जब हम ये कहते हैं कि एक ओहदा हासिल करना है, मंजिल हासिल करनी है, एक पोजीशन हासिल करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम हमारे सामने एक पोजीशन पे पहुंचा हुआ एक शख्स होता है, लेकिन हमने वो चीजों की तरफ हमारा जहन नहीं जाता कि वो शख्स अगर आज उस ओहदे पर है, अगर आज वो उस पोजीशन पर है, तो उसने कितनी जद्दोजहद की, कितनी कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके वो शख्स वहां पहुंचा है। एक मिसाल मैं यहां देना चाहूंगा कि आइसबर्ग पहाड़ देखा आपने, कई गुना ज्यादा वो पहाड़ जमीन के नीचे होता है, यानी कि जब तक आप जमीनी सतह से अपनी जड़ों को मजबूत करके ऊपर नहीं जाएंगे। इस दरख्त की मिसाल ले लीजिए, ये दरख्त जितना हरा भरा आपको यहां नजर आ रहा है, वो इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में मजबूत है। ये मैं जो जिस टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा था, आपका 10th का सिलेबस, आपका 11th का सिलेबस, आपका 12th का सिलेबस, ये सिलेबस के ऊपर ही आपको नीट का एग्जाम देना है, JEE का एग्जाम देना है। तो जब तक आप मेहनत ग्रास रूट लेवल पे नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आपको आइसबर्ग बनना है, अगर आपको खूबसूरत
बर्फ का पहाड़ बनना है तो आपको उससे कई पट ज्यादा अपने आप को जमीन के अंदर डेवलप करना है, आपको इतनी मेहनत करना है, इतनी इस्तेखामत के साथ मेहनत करना है। उसमें फिर कुर्बानियां आएंगी, उसमें फिर आपके सेक्रीफाइसेस आएंगे, दावत है, दावत में भी जाना जरूरी है, सब छोड़ देना पड़ता है। 10th, 11th, 12th के बच्चों ने ना दावतों में जाना, ना शादियों में जाना, मैं, मेरी किताबें, मेरी पढ़ाई, इसको कुर्बानी बोलते हैं। खाली ईद के दिन की कुर्बानी नहीं बोलते, सैक्रिफाइस आपको अपनी पढ़ाई को लेकर सारी चीजों को खत्म करना है। जब तक आप यकसुई से पूरे इन्हमाक के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते, कम से कम 4 बार आपने आपकी बायोलॉजी की बुक पढ़ लेना चाहिए, केमिस्ट्री की बुक पढ़ लेना चाहिए, फिजिक्स की बुक पढ़ लेना चाहिए। जब तक आप 10th का, 11th का, 12th का, बल्कि 8th से ही बेस आपका शुरू हो जाता है, तो ये 8, 9, 10th, 11th, 12th ये पूरा बेस जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जब कहीं जाके आप एक खूबसूरत बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग, या एक हरा भरा दरख्त या शजर जिसे कहते हैं, वो दिखेंगे। फिर से मैं यहाँ पे शायर मिश्री का शेर आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको अपने आप को खत्म कर देना है, अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना है, सैक्रिफाइसेस का रास्ता इख्तियार करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। मैं एक मिसाल आपको ये देना चाहूंगा कि थोड़े से यहाँ पे बॉयज कम दिख रहे हैं, लड़के कम नजर आ रहे हैं, अक्सरियत में लड़कियां हैं, तो बेचारे माइनॉरिटीज की तरफ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। क्रिकेट सब लोगों को पसंद है ना, क्रिकेट का मामला ये था कि टेस्ट सीरीज में 200 रन बना लेना, 250 रन बना लेना, 300 रन बना लेना, ये टारगेट हुआ करता था, 200 टारगेट, 250 टारगेट, और फिर वो टारगेट को दूसरी टीम दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन टेस्ट सीरीज चलते रहती थी, चेस करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एक टेस्ट में अकेले 200 रन बना लिया, मतलब कि वो एक तारीख हो गई कि आज तक टेस्ट सीरीज में किसी ने 200, अकेले प्लेयर ने 200 रन नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक अकेला प्लेयर मिलके पूरी टीम जितने रन बनाती थी वो एक अकेला प्लेयर उतने रन बना लेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कर दिखाया और वो एक आज तक एक मिसाल बन गई थी कि वो सबसे पहला क्रिकेटर है जिसने टेस्ट सीरीज में 200 रन बनाए। जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, उसके तीसरे महीने के बाद सहवाग ने 3 ही महीने में 200 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने भी बनाया, दूसरे भी खिलाड़ियों ने बनाए, एक आरजी शर्मा एक प्लेयर है उसने बनाया, लेकिन ये लोग कब उस टारगेट को चेस किए, कब उन्होंने, जब तक वो एक टारगेट सेट नहीं किए थे कि नहीं अब ये मंजिल को हमको पाना है, जब तक आप एक जिद के साथ, एक पूरी जुस्तजू के साथ अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। आज हमारे दरमियान जो नौजवान शख्स यहां बैठे हैं, अब्दुल मलिक, इन्होंने 625 मार्क हासिल किए 720 में से, बहुत बड़ी बात है। लोगों को मैं वो उस लड़के का नाम शोएब आफ्ताब ने 2020 में, 2020 में 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए थे। उनके लिए मैं ये बता दूं कि भाई आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आप आर्ट्स में जाइए, या तो साइंस में जाइए, या तो कॉमर्स में जाइए। अगर साइंस में जाते हैं तो आपके पास मेडिकल जैसी फील्ड है, MBBS है, BUMS है, BHMS है, BAMS है, BSMS है, BNYS है जो कि नेचुरोपैथी में आता है, BDS है, BBSC है, वेटरनरी है, BPT है। अब उन तफसीलात में ना पढ़ते हुए, वक्त कितना है वैसे मेरे पास जी, तो ये तमाम चीजें तो आपको अंदाजा है कि अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं तो आपकी कौन सी स्ट्रीम्स आपको मिलने वाली है, अगर आप
आर्ट्स ऑप्ट करते हैं तो आपको कौन सी फील्ड्स मिलने वाली है, आप लिटरेचर में अपना नाम कमा सकते हैं, अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो आप अकाउंटिंग की तरफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ आपको देखना ये है, सोचना ये है, समझना ये है कि अपने आप को जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से आप अपने आप को किस तरह से उस ट्रेंड के साथ लेके चलते हैं। आपकी तैयारी, आपकी जो है तो पूरी मेहनतें आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। आपको जो चीज आज बिल्कुल, जैसे कि आज स्मार्टफोन हर एक के पास है, हर एक के हाथ में आज एंड्रॉइड फोन है, आज हर कोई ये तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस तरह से दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे तैयारी करते हैं, किस तरह से दूसरे शहरों के बच्चे तैयारी करते हैं। आपको सबसे अहम चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने जहनों से ये चीज निकाल दीजिए कि हम एक छोटे मकाम को बिलोंग करते हैं। आप में जो सलाहियतें हैं वो मेट्रो सिटीज में जो बच्चे हैं उतनी ही सलाहियतें आप में भी हैं। ये सिर्फ वो लोगों का एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है, वो वहां पैदा हुए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहां के भी बच्चे, बॉम्बे पुणे के बच्चे, दूसरे बड़ी सिटीज के हैदराबाद के बेंगलोर के बच्चे भी आप ही की तरह है। आप बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस सिटी को बिलोंग करते हैं, आप जिस मकाम को बिलोंग करते हैं, वो आपको एक हिस्ट्री मिली है, आपको एक तारीख मिली है। मैं 2011 के सेंसस के हिसाब से जो फिगर्स है उस हिसाब से ये आप लोगों की गोश गुजार करना चाहूंगा कि रजापुर तालुका की ही अगर हम बात करें तो यहां का लिटरेसी रेट 68.44 है। मैं श्यूर की बात कर रहा हूं, श्यूर, खंडाला और लासूर गांव की लिटरेसी रेट, आबादी अगर हम देखें तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से वहां की आबादी 5680 के आसपास थी, लेकिन लिटरेसी रेट लासूर गांव का 60.95% है। तो ये बहुत बड़ी बात है। खंडाला का लिटरेसी रेट, वहां की पॉपुलेशन 11,300 समथिंग कुछ आसपास है थी, मतलब 2010 के सेंसस के हिसाब से, अब उसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन लिटरेसी रेट वहां का 66.96% है। श्यूर का लिटरेसी रेट 68%, यानी कि वैजापुर का शुरू ही से आप जिस सरजमीन को बिलोंग करते हैं, ये सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है। आपको फख्र होना चाहिए कि आप वैजापुर से बिलोंग करते हैं। आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इस सरजमीन को बिलोंग करते हैं, जहां पे, जिस सरजमीन पे कि सबसे ज्यादा रिच हिस्ट्री है। यहां पे वो तमाम नौ, जैसे कि आपके जो बुजुर्ग हैं यहां के नौगजी बाबा, अगर आप अपनी ही शहर की तारीख देखें तो आपको विरासत में ये चीजें मिली है कि किस तरह से अपनी मंजिल को हासिल करना है, किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करना है। अगर वो क्रूर शासक को खत्म करने के लिए, उस बादशाह को खत्म करने के लिए वो नौ गाजी यहां पर नहीं आते थे, तो क्या यहां का माहौल, यहां का जो एक एटमॉस्फियर है, एक हिंदू मुसलमान का जो एक भाईचारा है, ये तमाम चीजें आपको विरासत में मिली हुई है। उन नौ गाजियों ने, जिसका उर्स हम लोग मनाते हैं, उनमें से चार लोग अंबाजोगाई गए थे, तीन संगमनेर गए थे और दो वैजापुर में थे। तो ये तमाम विरसे को आपको संभाल के लेके चलना है। ये वहां पे जो रामराव यादव की जो पत्नी की वैजा रानी का जो एक स्तंभ है वहां पे, ये आपको मैसेज देता है कि आपकी कितनी रिच हेरिटेज को आप लोग बिलोंग करते हैं, कितने रिच कल्चर को आप लोग बिलोंग करते हैं। साई बाबा, जो शिरडी वाले साई बाबा हैं, वो वैजापुर ही से शादी के लिए गए थे, बराबर राठौड़ साहब, राजपूत साहब,
एक शादी के बारात ही में साईं बाबा 1810 में वैजापुर से गए थे। तो ये सिर्फ मैं ये आपको ये बताना चाह रहा कि आप में ऑलरेडी वो तमाम चीजें हैं, वो सलाहियतें हैं। मुझे अभी सदर साहब और सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 1600 बच्चे माशाल्लाह यहां से इस इदारे से तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हर बच्चा यहां का इंजीनियर बन सकता है, हर बच्चा यहां का डॉक्टर बन सकता है, हर बच्चा प्रोफेशनल लाइफ में जा सकता है। उन्नीस सौ बावन में जो सबसे पहला न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, दैनिक एजेंट था, औरंगाबाद से शुरू हुआ था, वो सबसे पहला न्यूज़पेपर था। और दूसरा न्यूज़पेपर मराठवाड़ा जो कि 1960-61 में शुरू हुआ था, वो अनंत भालेराव जी ने स्टार्ट किए थे। अनंत भालेराव साहब आपके वैजापुर के हैं। तो ये तमाम चीजें, मराठी का जो शब्दकोश है जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, उस डिक्शनरी के बुनियाद पर ही पूरा मराठी लिटरेचर डिपेंड है। मराठी लिटरेचर की डिक्शनरी बनाने वाले माहिम भट्ट सरालेकर, जो कि सराला के आपके गंगागिरी महाराज का जो सराला है, हमारे माहिम भट्ट साहब सरालेकर आपके वैजापुर के हैं। क्या नहीं मिला आपको? पद्मश्री सिकंदर अली वंश वज साहब आपके वैजापुर के हैं। वज साहब ने हैदराबाद सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुए बाद उन्हें मुंसिफ बनाया गया था, जज जिसे कहते हैं। तो एक मुंसिफ, एक पद्मश्री अवॉर्डी आपके गांव से बिलोंग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वज साहब की किताब का इनॉग्रेशन किया था, बहुत बड़ी बात है। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हाथ से सिकंदर अली वज साहब की किताब और आपके मुसव्विर जिसका नाम है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर सिकंदर अली वज साहब की किताब का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक हर वैजापुर वासी को फख्र की बात होनी चाहिए कि एक 1972 में जिन्हें राज्यसभा पर लिया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आपके वैजापुर के। तो ये एक बहुत बड़ा आपको हेरिटेज मिला हुआ है। मैं यहाँ पे विनायकराव पाटिल साहब का नाम लेना चाहूंगा, इतनी बड़ी शख्सियत, यानी कि अगर वो कुछ दिन और रहते हमारे दरमियान तो मुख्यमंत्री तो होते ही थे महाराष्ट्र के। आज मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का जो नेटवर्क है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, आज पूरे मराठवाड़ा में आप देख लीजिए कितने कॉलेजेस है, कितने स्कूल्स है, इसके बानी है ये विनायकराव पाटिल साहब। वो आपके वैजापुर के हैं। उसके बाद मैं जो मशहूर शायर जनाब गफूर नाजिर साहब, उनकी लफ्जों की कमन किताब का इनॉग्रेशन किताब है उनकी, वो आपके वैजापुर के हैं। आपके जिला परिषद के रिटायर्ड टीचर जनाब शमीम सौदागर साहब अफसांचे लिखा करते थे औरंगाबाद टाइम्स में, वो आपके वैजापुर के हैं। उनका एक मदरसा भी है, मैंने सुना यहाँ पे खालिदपुर वबीद मदरसा है जहाँ पे 600 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल करते हैं, वो आपके वैजापुर के हैं। हमारे स्टेज पर जो बैठे हैं दोनम सिंह जी, धनु सिंह ठाकुर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये 1986 के बैच के है ठाकुर साहब, वहीं से आपने बीएड किया है। फिर काजी मुहिद्दीन साहब, जिया के वालिद साहब, इमरान अली साहब जिनका एक बहुत बड़ा नाम है मराठी कविता में, जी। फिर बसीर अहमद असीर जो कि डीएड कॉलेज के लेक्चरर थे, वो आप लोगों के शहर के हैं। मैं यहाँ पे आपके जुलेखा हॉस्पिटल के डॉक्टर एजाज साहब है, इकबाल साहब है जो कि इंजीनियर है, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। फिर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ साहब, ये आप लोगों के लिए मिसाल है, पूरी फैमिली एजुकेटेड, तालीम से जुड़े हुए लोग, उनके घर की हर तमाम जेंट्स लेडीज सब ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे। तो ये
आप लोगों के लिए एक बहुत फख्र की बात है कि आप लोग वैजापुर को बिलोंग करते हैं, और मैं वापस आऊंगा। मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत जहां से की थी कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं सिकंदर अली वज सदमिश्री सिकंदर अली वज के आज सरजमीन पर हाजिर हुआ हूं, और मुझे यहां अपने ख्याल का इजहार करने का मौका मिला। मैं ताहिर अत्तार साहब का शुक्रगुजार हूँ, मुजाहिद कुरैशी साहब, मजीद कुरैशी साहब, अलीम तांबोली साहब और जिया जो कि मेरे स्टूडेंट है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे आज आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिला। और मैं खमर इकबाल के इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगा कि खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूं, खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूं, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा हूं।